बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की इजाज़त हासिल है, मगर धर्म के नाम पर किसी भी समुदाय को धमकी देने की इजाज़त नहीं है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कई मौक़ों पर मुसलमानों को धमकी दे चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि भारत में रहना होगा तो सीता नाम कहना होगा। इससे पहले भी बाबा मुसलमानों को पासपोर्ट बनवाने की धमकी दे चुके हैं। किसी भी धार्मिक व्यक्ति का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना भारत के एक बहुत बड़े तबके को उकसाना और उसके खिलाफ साजिश रचना माना जाएगा। इस तरह के उत्तेजना फैलाने वाले बयानात से देश में नफरत फैल रही है, जिससे देश को मजबूत करने के बजाय देश को कमजोर किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वह अपने मज़हब के बारे में बातें बताए और उसका प्रचार करे, उसकी तशहीर करे। मगर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मज़हब की आड़ में वो किसी दूसरे समुदाय को और किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुसलमानों के ताल्लुक से बात कही है कि भारत में रहना होगा और सीताराम कहना होगा, और इससे पहले भी बहुत सारे मौक़ों पर उन्होंने मुसलमानों को धमकियां दी हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं वो पासपोर्ट बनवा लें। इस तरह की बातें, ये धमकियाँ देना है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपना अपने ज़ुबान पर लगाम लगाएं और अपनी भाषा का इस्तेमाल मर्यादा के दायरे में रखें और उसकी शालीनता बरकरार रखें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर।